सो है गाइज, वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग्स। अपने न्यू ब्लॉग्स में आप सभी को स्वागत करते हैं, है ना। और एक कैसा कुणाल लोग को देखिए, आज कितने दिनों के बाद ना आज धूप निकला है। बहुत ठंड था, बहुत दिनों से आज धूप निकला है। इन लोगों का ना ये देखिए, ऊपरी गर्दन मुड़ी, बाल कटाना होगा। ये देखिए इन लोगों का ना आज चल के सैलून में लेके चलते हैं और इन लोगों को बाल कटाते हैं। मैं अपना भी शेविंग करवाऊंगा थोड़ा बहुत, है ना, सेटिंग करवाना है। तो चले, आप लोग ब्लॉग में बने रहेगा। अभी ना सुबह का 10 बज चुका है, अभी हमने ब्लॉग बनाना स्टार्ट किया है। हाँ, तू कैसा? हाँ। तो गाइस, एक कुणाल है और एक केशव। एक केशव, एक कुणाल है। दोनों ग्राम में बरका क्या है? केशव। केशव, केशव बड़ा है, ये छोटा है, अरे की जोड़ुआ है, लेकिन ये बड़ा है, ये छोटा है ना। तो चले गाइस, अभी चलते हैं सैलून में इन लोगों को लेके और बाल बनवाते हैं इन लोगों को। मैं अपना भी शेविंग करवाऊंगा। तो चलिए अभी चल, केस छटा रो। तो चले गाइस, अभी चलते हैं केस बनाने के लिए। चल चल चल, था सैलून खुजल है, देख कर ली। चप्पल पहन जल्दी। चप्पल लगा, चल चलो। दोनों आदमी निकल चुका है देखे, और मैं भी चलता हूँ साथ में। सो गाइस, यहाँ पे अभी सैलून के पास आ गए हैं। ये देख सकते हैं, वो एक गांव का बुजुर्ग है जो बाबा का एज का है, और ये बाल बना रहा है और दाढ़ी बना रहा है। तो इनके पास लाइन है। तो अभी केशव और कुणाल यहाँ पे खेल रहे हैं, देख सकते हैं। तो खेल रहे दोनों आदमी धूप में, और मैं यहाँ पे कटघेरा पे बैठा हूँ और अब निकल चुके हैं। ये हमारा गांव है और गांव से दूसरे गांव अब जाएंगे हम। सो गाइस, अभी मैं आ गया हूँ चल के रास्ते में देखे, और हमको जाना है इस तरफ सैलून में, क्योंकि ना सैलून हमारे गांव से दूसरा गांव में है। मेरा गांव में था तो बच्चा लोग को काटने के लिए बूढ़ा आदमी है, उसका हाथ हिल रहा है, तो वहीं पे नहीं कटवाए हैं हम, और जा रहा है दूसरे गांव में कटवाने के लिए, शेविंग वगैरह करवाने के लिए। तो आप लोग बने रहेगा ब्लॉग्स में, तो आप लोगों को दिखाएंगे हम कौन सा सैलून में जाने वाले हैं। चलिए। सो गाइस, अभी मैं हूँ रास्ते में। ये देख सकते हैं, पूरा रास्ता पूरा खाली पड़ा है ये दोनों तरफ। तो हमें आगे जाना है, और ये पीछे है ना हमारा गांव का तरफ है, और हमें जाना है 2 किलोमीटर पैदल, क्योंकि अभी गाड़ी घोड़ा नहीं है। आज ना धूप निकला है, थोड़ा चलने में भी मज़ा आ रहा है। और देख सकते हैं खेत का पूरा गेहूँ वगैरह का हरियाली हरियाली है पूरा हर जगह। तो चलने में भी मज़ा आ रहा है, और धूप भी निकला है ना, तो ठंडी नहीं लग रहा है इतना ज़्यादा, तो हमें अच्छा लग रहा है चलने में। और चल के ना हमें शेविंग वगैरह करवाना था, तो चलिए हम जाके ना शेविंग वगैरह करवाते हैं, और शेविंग वगैरह करवा के ना वापस आएंगे। और केशव कुणाल को छोड़ दिया है गाँव में। गाँव में एक बूढ़ा आदमी है शेविंग करने वाला, बाल बनाने वाला सैलून में, तो वहीं पर छोड़ दिए हैं उसको। उसका ना बच्चा लोग का सिर्फ काट सकते हैं, और हमें तो सेटिंग करवाना है ना। सेटिंग करवाना है तो उससे हो नहीं पाएगा, क्योंकि उसका हाथ ना ऐसे ऐसे हिल रहा है, तो हम नहीं कर पाए उसके पास सेविंग। देखिए यहाँ पे गांव जैसा बना दिया है, यहाँ पे घर बना दिया है चौड़ी में। तो चलिए फिलहाल चलते हैं, और चलते चलते देखिए पैदल ही जा रहे हैं हम, है ना। तो चलिए। सो गाइज, अभी मैं आ गया हूँ गांव का नज़दीक में। सो गाइज, यहाँ पर मैंने बाल भी बना लिए और दाढ़ी भी बना लिए, और यहाँ से अब निकलेंगे सीधे अपने घर। सो गाइज, अभी शेविंग वगैरह करा लिए, दाढ़ी बना ले, बाल बना ले, और निकल चुके हैं अभी मैं घर के लिए।
गाइस यार आज का धूप देख के ना मजा आ गया। एक महीने से लगभग एक महीना हो गया था धूप नहीं निकल रहा था, ठंड इतना ज़्यादा लग रहा था। कल तो थोड़ा थोड़ा धूप भी निकला था ना, और धूप में भी इतना ज़्यादा ठंड लग रहा था। काम करने के लिए गए थे लेकिन काम क्या करेंगे, काम ही नहीं कर पा रहे थे इतना ज़्यादा ठंड लग रहा था। जो तो आज देखिए कितना मस्त प्यारा दिन है, बहुत ही प्यारा दिन है आज का। और आज हम चलिए घर पे जाके ना नहाएंगे धोएंगे और केशव कुणाल को भी नहा देंगे। दीपेंद्र पुलम तो स्कूल चले गए हैं पढ़ने के लिए, तो फिलहाल चलते हैं अभी घर पे। अभी रास्ते में है दोस्तों, क्योंकि ज़्यादा दूर है थोड़ा और पैदल जा रहा है ना, ये देख सकते हैं मैं पैदल ही जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास साइकिल था ना वो टूट गया है, दीपेंद्र ने तोड़ के रख दिया है साइकिल को, इसीलिए पैदल ही जाना होता है। और साइकिल भी नहीं है दूसरा, और साइकिल बनाने के लिए ना टाइम लगेगा थोड़ा, क्योंकि उसका साइकिल का जो हैंडल है ना, हैंडल ही तोड़ दिया है, तो इंडिया से मंगाना होगा हैंडल, या तो देखेंगे साइकिल फिल्टर के पास होगा तो बना लेंगे उसको। अभी फ़िलहाल आज जाएंगे बाज़ार, तो बाज़ार जाएंगे अंजुला जी के साथ, अंजुला जी भी जाएंगे, और टेम्पू में जाना होगा तो चलेंगे टेम्पू में। फिलहाल अभी चल रहे घर पे, अभी भी दूर है थोड़ा रास्ता और धूप मस्त निकला है ना, चलने में भी मज़ा आ रहा है दोस्तों, बहुत ही प्यारा दिन है आज का। तो चलिए बने रहिएगा ब्लॉग्स में, घर जाके नहा धो के पूरा फ्रेश होके उसके बाद निकलेंगे बाज़ार के लिए। तो चलिए सो गाइस अभी फिर से घर पे आ गए हैं और नहा धो के ना तीनों आदमी फिट हो चुके हैं, और दीपेंद्र पुलम गया है स्कूल, और अंजुला जी जब तक मैं शेविंग और दाढ़ी बना के आया ना, केस और दाढ़ी बना के आया ना, तब तक अंजुला जी यानी कि इसका मम्मी वो चले गए थे बाज़ार। तो कोई बात नहीं, हम भी जाने वाले थे लेकिन उन्होंने चला गया पहले, उन्होंने सोचा उनको लेट हो गया तो निकल चुके हैं। तो कोई बात नहीं, अभी हम लोग नहा धो के रेडी हो गया है ना, नहीं लिए ना, ठंडा लगे चला, डर लगे चला ना, बहुत ठंड लग रहा था नहाने का टाइम में, ये रो रहा था, ये नहीं रोया है ना, तू निकल रही है ना, तू कहीं चलिए, ये रो रहा था, ये मैं देखी ना कैमरा में, कहीं चलिए ना, तो ये रो रहा था, ये नहीं रो रहा था नहाने के लिए, क्योंकि इतना ज़्यादा ठंड है ना, बहुत बहुत ज़्यादा ठंड है अभी दोस्तों। तो अभी फिलहाल हम लोग घर पे हैं, देख सकते हैं अपना बेड पे ही है, ये कपड़ा वगैरह ऐसे ही रहता है क्योंकि एक ही रूम है हमारा ना, तो पूरा कपड़ा वगैरह ऐसे ही पड़ा रहता है। तो केंद्र पुलम आएंगे 4 बजे स्कूल से, अभी बज रहा है 3, तो हम लोग नहा धो के फिट हो गए हैं और अंजुला जी शाम को आएंगे, तब तक ये वीडियो को एडिट करते हैं आप लोगों के लिए, कल सुबह ये वीडियो आ जाएंगे। तो फिलहाल वीडियो के यहीं तक एंड करते हैं, और मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए आए होंगे तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, और मिलते हैं जल्दी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, कहें बाय बाय।